अक्सर स्टूडेंट की एक समस्या रहती है, और समस्या ये रहती है कि सर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करें, यानी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में मैक्सिमम नहीं हजारों बच्चों को दिक्कत होती है, यानी कि बच्चे वो हैं जिनको इंग्लिश से हिंदी करने में दिक्कत हो रही है भाई साहब, यानी इंग्लिश से हिंदी आखिर कैसे किया जाए, कैसे हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। हिंदू पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कहानी का नॉवेल पढ़ लिया, एनसीईआरटी कहानी नॉवेल फ्रे कुछ भी आप इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी आना, क्योंकि ना हिंदी मीडियम के है ना, तो हिंदी मीडियम के है सर, तो दिमाग में हिंदी नहीं आता ना तब तक बत्ती जलती नहीं, यानी हिंदी आना चाहिए। कोई लाइन पढ़ा हिंदी, कोई लाइन सुना हिंदी, कोई बोल दिया हिंदी, यानी आपका माइंड दो भाग में बटा होना चाहिए, यानी आप चाहते हो ना कि इधर से हिंदी सुना, यहां से अंग्रेजी, अंग्रेजी सुना हिंदी, तभी समझ में बेहतर आता है। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं, इतना बढ़िया ट्रिक्स दे रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे ना अंग्रेजी में तो अपने आप हिंदी निकालना आ जाएगा, यानी आपको राइटिंग करना भी आ जाएगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी ले लो, योजना कुरुक्षेत्र नॉवेल ले लो और रख करके सामने हिंदी में लिख डालो, आराम से काम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वाकई ये काम करता है, क्या ये नियम काम करता है, क्या ये तरीका काम करता है, क्या इंग्लिश से हिंदी संभव है, क्या आइडियाज हो सकता है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा हमने, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। इसको एग्जैक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आइडिया लगा सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ मेथड समझाता हूं। हमने सिंपल लिया है, आज बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, तूफान लेंगे, आग लेंगे और आग लगा देंगे, आज हर तरह के सेंटेंस लेंगे और देखते हैं कैसे चुटकियों में होता है, देखने का प्रयास करते हैं, बड़ा से बड़ा सेंटेंस चुटकियों में ट्रांसलेट करेंगे आज और अभी। बस अंत तक हिलना मत, पूरा वीडियो देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया तुमने लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो कि सर आज तूफान मचा रहे हैं, उस तूफान को चलो देख लेते हैं, आगे देखते हैं गौर से क्या काम करना है। अब देखो समझो, कुछ पॉइंट लिख लो, ये नोट डाउन कर लो क्या पॉइंट है, हिंदी के कारक चिन्ह। अब भाई साहब हिंदी तो आता है तुम्हें मेरे दोस्त, माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल हिंदी, हिंदी आता है ना, यू नो हिंदी आता है आपको, अंग्रेजी में प्रेपोजिशन बन जाते हैं, यानी हिंदी के जो कारक चिन्ह होते हैं वो अंग्रेजी में प्रेपोजिशन बन जाते हैं। इस पॉइंट में कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, याद है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ने के लिए इन, को के लिए ऑफ, के लिए फॉर, तो ये चीज, यानी कि हिंदी का कारक चिन्ह अंग्रेजी में प्रेपोजिशन बन जाता है। तो हिंदी का कारक चिन्ह में क्या होता है, प्रीपोजिशन बन जाता है। अब देखिए एम भी का मतलब मेन वर्ब, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, तो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो उसे बॉक्स बना लें, मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो उसको बॉक्स में घेर लीजिए, सिर्फ बड़े कुछ पहचान होना चाहिए, तो आप तो वर्ब पहचान लोगे ना, इज एम आर, आपको बेसिक नहीं आता कोई बात, मुझे ये बताइए कि इज एम आर तो पहचान लोगे ना, इज एम आर वाज वेयर डू डज डिड हैज हैव हैड विल शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये सब तो पहचान लोगे ना। ये बताओ दूसरा काम कि आपको नंबरिंग तो एक दो तीन चार करने आता होगा, पहचान लोगे, खत्म कहानी। अब देखिए कह रहा है कि बॉक्स वाले था बाएं से शुरुआत करें, बाएं और दाएं, बाएं इधर दाएं इधर शुरुआत कर लें, तो सबसे पहले आपको मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहचानना है। मुझे बताइए इसमें आर है कि नहीं, मैं जरा पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। ये देखिए आर जो है लाल से कर दिया, ये हमने बना लिया, यही ना कह रहा है जी कि मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को बॉक्स बना लें, बॉक्स बना लिया, मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है सर, मेन वर्ब बोलते हो ना, राम गोज टू मार्केट, गोज हो गया मेन वर्ब, तो गोज है, ईट है, लाफ है, सीट है, अबंडन है, बहुत सारे वर्ड है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब उसको क्या करिए, बॉक्स में डाल दीजिए। एक काम कर लिया, फिर कह रहा है कि बाएं से शुरुआत करें, अब इसका बाएं बाएं, अब बाएं से नंबर एक दो तीन
बच गया यहां से 4, 5, 6, 7। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन? अग्जलरी वर्ब या मेन वर्ब, इसी को कहते हैं अग्जलरी वर्ब। मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब को, यानी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए अग्जलरी वर्ब या मेन वर्ब का। तो उस वर्ब को सबसे बड़ा नंबर दीजिए और उसको जैसे बीच में हमने खड़ा हो गया, ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब या अग्जलरी वर्ब। ठीक, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर। अब इसके इधर इधर क्या करिए, बांट दीजिए नंबरिंग को। तो हमने यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब बड़ा नंबर 7 दे दिया। इस तरह से आपको अंग्रेजी कर देना है, जो एक नंबर में होगा वो पहले आएगा, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। अंग्रेजी ऐसे हिंदी कर दो, ऐसे आप हिंदी कर दीजिए, ऐसे हिंदी कर दीजिए, यही इसका नंबरिंग होगा। यही देखिए 1, 2, 3 शुरुआत कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया तुम्हारा 7। अब बोल दीजिए क्या हो जाएगा भाई, भारत के लोग, देख रहे हैं भारत के लोग, समझ पा रहे हैं क्या हुआ, शिक्षा में गरीब हैं। मजा आया? अब इस तरह से करोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए यहां लिखवाया गया है, क्या कहा हमने, बनाया गया, देखिए द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन, नंबरिंग कर दिया। ये हमको बॉक्स बना लिया, बॉक्स बनाने के बाद इधर चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए इसी को हिंदी कर दिया, इंडिया का हिंदी भारत, काके की का हिंदी ऑफ, का हिंदी काके की, पीपल का हिंदी लोग, समझना पड़ेगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा, इन का मतलब मैं, पुअर मतलब गरीब, आर मतलब हैं या हूं। तो बोलिए भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो समझ में आ रहा है, आसान टफ है। अभी बड़ा से बड़ा तूफान लूंगा, बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल लूंगा, अभी पढ़ाना शुरू कहां किया, अभी क्लास शुरू कहां किया, अभी बड़े से बड़े संदेश लूंगा, इसको समझो बढ़िया से। अगला देखो एग्जाम्पल जल्दी से करके देखो, पोजीशन आप करो, मेरे साथ टास्क भी देखो लिया, व्हाट, यानी आप अपने आप से करो, आई एम गिविंग यू प्रॉपर टाइम। तो पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। समस्या कहाँ है, आपको हो सकता है पीटीएबल का अंग्रेजी ना आए, लेकिन पहले पकड़ना सीखो, क्योंकि डिक्शनरी में भी हिंदी में निकल जाएगा, गूगल से भी सर्च कर लोगे। तो यहाँ मुद्दा उठ रहा है कि सर यहाँ पे वर्ब कहाँ है, तो देखो ना मिल गया वर्ब, देखो यहाँ देखो वर्ब मिल गया इस, अब इज के पीछे नंबरिंग करते चले जाओ, नंबरिंग करो, आपका अंग्रेजी हो गया आसान, आसान हो गया अंग्रेजी, इंग्लिश सबसे आसान भाषा। और एक सलाह दूं आपको, एक सलाह देता हूं, तब तक इसको सोचो आप, सलाह ये है मेरा कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, अभी जाओ प्ले स्टोर पे और जा करके क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, इसमें मिलियंस डाउनलोड हैं, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का नंबर वन ऐप है ये, मिलियंस में डाउनलोड है, लाखों बच्चे सीख रहे हैं अंग्रेजी, बहुत जबरदस्त ऐप है, इसमें जाकर अच्छे से रिव्यू करो, अच्छे अच्छे धर्मेंद्र से लाइन लिखो, बढ़िया बढ़िया लाइन लिख करके, खूबसूरत लाइन लिख के मुझे आप मैसेज करो, 5 स्टार दो, स्टार कितने देने हैं, 5 स्टार देने हैं, क्योंकि आपका ऐप है और आपका ऐप है 5 स्टार चमकाने, 1 स्टार नहीं 5 स्टार, और बढ़िया से बहाना है 1 मिलियन डाउनलोड है आपके लिए। और इस तरह से काम करोगे, ये 11 बजे सुबह हमने बैच लॉन्च किया है, जिस बच्चे को ग्रामर बढ़िया से पढ़ना है, फाउंडेशन स्टार्ट करना है, तो 11 बजे से एक बैच चल रहा है और ये जबरदस्त बैच है, ये बैच बूस्टर बैच है, ये बैच पे आप क्लास ले सकते हैं, घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं इसी ऐप पर। ठीक है, इसके साथ आपको उनको दिक्कत हुई थी, फोन नंबर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल है कॉल करिए, इसका इतने नंबर और दिए हैं यहाँ भी कॉल करिए, इस पे है किसी पे तो बात हो जाएगी आपसे, ये मेन नंबर ये है, इस पे कॉल करते ही सब पे चला जाएगा, इस पे कॉल करिए सब पे चला जाएगा, बेसिक नंबर ये भी है, यहाँ भी करिए, यहाँ
कोई ना कहीं तो उठेगा। तो उस तरह से आप आराम से व्हाट्सएप कॉल जैसे भी हो, व्हाट्सएप पे बात करना हो, व्हाट्सएप चैट कर दीजिए, तो कहीं भी कोई हो आप बात इस पर कर सकते हैं और आप अपनी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी जैसे आप क्लास कर रहे हो, चीज़ें करते हो, तो यहाँ देख लिया था आपने, अगला कॉन्सेप्ट यही था ना। अब देखिए द पीपल ऑफ इंडिया पुअर, ये काम हम लोग का हो गया था। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ देख लिया आपने, अब तक कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइट्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस इज को बॉक्स में डाल लिया। देखिए ये किया गया है ना, देखो इज को बॉक्स में डाल लिया। डालने के बाद पीछे से नंबरिंग कर दिया और प्रेपोजिशन याद करो क्या कहा था, हिंदी के कारक चिन्ह अंग्रेजी में प्रेपोजिशन बन जाते हैं। तो कारक चिन्ह हिंदी में बन जाएगा। अब यहां देखो क्या लिखा है, कि में के हो गया, कारक चिन्ह हो गया। अब देखो यहां से हमने कहा इज बड़ा हो गया, अब इज के पहले कौन है, एक दो तीन चार पांच, यहां पांच छूट गया, पांच छ सात आठ नौ, यानी नाइन नंबर तक आपको हो गया, यानी ई सबसे बड़ा है। अब इसी को हिंदी करते हुए चले जाइए, तो एक नंबर में था भारत, दो नंबर में ऑफ, तो भारत के रूरल साइड एक वर्ड है, ग्रामीण क्षेत्रों, चूंकि साइड्स लिखा है ना, तो साइड्स मतलब क्षेत्रों, तो रूरल साइड्स लोगों की, देख रहे हो लोगों की स्थिति। अब स्थिति क्या हो गया यहाँ पे, देखिए पोजिशन, तो की स्थिति देख रहे हो गौर से, बहुत दयनीय है, वेरी पिटिएबल एक शब्द है, बहुत दयनीय है, और इसका मतलब है देख पाए सब लोग, तो क्या होगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। इस तरह से आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो नंबरिंग कर करके, जो आपको आसान बना देगा, बड़े से बड़े सेंटेंस को भी आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। अब एक सेंटेंस और दे रहा हूँ जो आपके लिए होगा, द पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर। अब यहाँ देखिए सेंटेंस दिया है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो द पुलिस सब्जेक्ट है ब्रॉट हो गया वर्ब, इसको बॉक्स में डाल दिया, यही तुम्हारा वर्ब है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। अब इसके पहले नंबरिंग कर दिया एक नंबर, एक के बाद पीछे से चलेंगे और नंबरिंग कर दिया फटाफट करके कि एक नंबर दो नंबर, ठीक है, दो नंबर के बाद यहाँ डेड बॉडी यहाँ हो गया तीन नंबर, और इसको कर देंगे चार नंबर, क्या कर देंगे चार नंबर, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी आप फ्रेम कर सकते हो, डरने, चूंकि इंग्लिश से हिंदी निकालना है, तो इंग्लिश से हिंदी निकालने के लिए आपको वर्ब की पकड़ होनी चाहिए। द पुलिस ब्रॉट मतलब लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट बोलते हैं ना, ब्रिंग ब्रॉट तो ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का ज्ञान तो होना ही पड़ेगा ना, तभी तो काम कर पाओगे। तो यहां देखते हैं इसका क्या हो सकता है, देखो यहाँ क्या कहा था हमने, बड़ा नंबर बॉक्स बना दिया था इसको, फिर यहाँ उन्हें एक करा, फिर स्लेन लीडर दो नंबर किया, ठीक है, यहाँ पे हमने बॉडी को तीन नंबर किया, डेड बॉडी को तीन किया, इसको हमने चार नंबर किया। अब हिंदी देखो निकाल लो, पुलिस हो गया एक नंबर, ठीक है, पुलिस हो गया ने, अब देखिए स्लेन लीडर कत्ल किए गए नेता, स्लेन लीडर क्या होता है, स्लेन का मतलब हुआ कत्ल किया जाना, लीडर मतलब नेता, तो यहां तक हो गया, ठीक है, ये हो गया एक नंबर, तो पुलिस ने कत्ल किए नेता के, यहां देखिए ऑफ है ना, ऑफ द के डेड बॉडी मृत शरीर, ब्रॉट मतलब लाए गया, द डेड मृत शरीर कहो चाहे लास्ट कहो एक ही बात है, लाया गया, देख पा रहे सब लोग, तो बड़ा आसान है, मजा आएगा करने में, बस एक बार वर्ब को पकड़ो आसान हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जब करोगे तो आपके इंग्लिश आसान हो जाएगा, और बेहतर करने के लिए ये टोटल चीज़ आपको फेसबुक से लेकर के है ना, इंस्टाग्राम से लेकर के, टेलीग्राम से लेकर के, यूट्यूब तक ये सारा पार्ट मैं डलवा भी दूंगा, ताकि आप ऐप भी डलवा दूंगा, ताकि यह चीज दोबारा तिबारा आप देखने का प्रयास करो। ये छोटा छोटा वीडियो जब पढ़ोगे आप, जब काम करोगे तो आपको टेक्निक हो जाएगा, टेक्निक समझ में आ जाएगा, तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू मच, कल मिलते हैं आपसे नए क्लास में, थैंक यू मच।